दादी अभी अभी आई हैं हॉस्पिटल से। हमें उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साइड में एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे पक्का। अभी कह रही थी कि बात करनी है और अभी सो गई। लगता है दवाई का असर हो गया होगा। दादी हमें टेंशन में लग रही थी, एक बार उनसे बात कर लेते हैं ना। हमारे गले में क्या अटक गया है? हमारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? हम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, इधर आओ। दादी अभी सो रही है, उन्हें आराम करने दो, ठीक है? डॉक्टर शिव, देखिए ना, दादी अभी अभी आई हैं हॉस्पिटल से। हमें उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साइड में एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे पक्का। डॉक्टर शिव क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज हमें दादी के पास जाने दीजिए ना, प्लीज। नहीं शक्ति, इस वक्त ना मैं उनका पोता हूँ, ना इस घर का बेटा और ना ही तुम्हारा पति। मैं सिर्फ उनका डॉक्टर हूँ। और उनके डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कि तुम अंदर जाओ, क्योंकि वो सो रही है और उन्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो हम भी उनकी बहू होने के नाते में, आपकी वाइफ होने के नाते में, लेकिन आपके जूनियर डॉक्टर होने के नाते हम दादी के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर शिव हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। शक्ति,